गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इन ईवीएस वी विल डू काइंड्स ऑफ प्लांट्स। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज ट्रीज। ओके, ट्रीज, ट्री क्या होता है? पेड़ होता है ना। ट्रीज कैसे होते हैं? वेरी बिग एंड टॉल, कि बहुत बड़े होते हैं ना, बिग होते हैं, टॉल होते हैं, लंबे होते हैं। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक, कि इनका जो स्टेम होता है, जो तना होता है, वो बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंक। हैव लॉन्ग लाइफ, और जो ट्रीज होते हैं इनकी लाइफ जो होती है वो बहुत लॉन्ग होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल है? मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, नीम ट्री एंड बनियन ट्री। तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज। ओके, नेक्स्ट इज श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं बच्चे? स्मॉलर देन ट्रीज, कि ये ट्री से छोटे होते हैं। थिन वुडी स्टेम, और इनकी पतली सी लकड़ी जैसे स्टेम होती है, बहुत पतली सी। लिव फॉर फ्यू ईयर्स, कि ये कुछ ही सालों तक रहते हैं, ज़्यादा ये इनकी लाइफ नहीं होती है, जैसे ट्री तो बहुत सालों तक रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज, कॉटन एंड लेमन, दीज आर श्रब्स। ओके, नेक्स्ट हर्ब्स। थर्ड नंबर इज हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं? स्मॉलर देन श्रब्स, कि ये श्रब्स से भी छोटे होते हैं। थिन ग्रीन स्टेम, इनका स्टेम कैसा होता है? थिन, पतला सा होता है और ग्रीन कलर का होता है। एंड दे आर सीजनल प्लांट, वो सीजनल होते हैं, कि सीजन में आते हैं, जैसे गर्मी में आती है, जैसे पुदीना है, हाँ ये जो पुदीना होता है ये गर्मी में आता है, तुलसी है ये सर्दी में आता है, टोमेटो है, टोमेटो तो वैसे दोनों सीजन में ही मिलती हैं, भी जो टोमेटो होते हैं वो विंटर्स में ज़्यादा होते हैं अवेलेबल। ओके, तो हर्ब्स क्या होते हैं कि ये स्मॉलर देन श्रब्स होते हैं, थिन ग्रीन स्टेम और सीजनल प्लांट। फॉर एग्जांपल तुलसी, मिंट एंड टोमेटो। ओके, नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? कांट स्टैंड ऑन, कि ये अपने आप खड़े नहीं हो सकते हैं। दे नीड सपोर्ट, उनको सपोर्ट चाहिए, जैसे हम इन्हें दीवार के साथ हैंग कर देते हैं, या इनको कोई रस्सी बांध के दरवाजे के साथ, हाँ। और इनका जो स्टेम होता है बहुत वीक होता है, वीक स्टेम होता है इनका। फॉर एग्जाम्पल पी, ग्रेप वाइन, मनी प्लांट। ओके, इनको हम बेल बोलते हैं हिंदी में, जैसे मटर की बेल, अंगूर की, या मनी प्लांट। ओके, तो दीज आर क्लाइंबर्स। एंड द लास्ट वन इज क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं? ये भी वेरी वीक स्टेम, इनकी भी जो स्टेम्स होती है बहुत वीक होती हैं, लेकिन इनमें ये कैसे डिफरेंट है क्लाइंबर से? क्लाइंबर और क्रीपर में क्या डिफरेंस होता है कि इनका जो फ्रूट होता है वो बहुत हैवी होता है, बहुत भारी होता है, हैव हैवी फ्रूट्स, इसीलिए क्या होता है, स्प्रेड ऑन ग्राउंड, कि ग्राउंड पे ये फैले होते हैं, इनको हम कहीं ऊपर, जैसे जो क्लाइंबर्स होते हैं उनकी तो हम बेल टांग देते हैं, इनको हम नहीं टांगते, क्योंकि अगर इसका जो फ्रूट है वो बहुत हैवी होगा, अगर वो गिरेगा तो प्लांट भी टूट जाएगा और किसी को चोट भी लग सकती है ना। तो स्प्रेड ऑन ग्राउंड, कि ये ग्राउंड पे ही इसकी बेल जो है फैली रहती है। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, पम्पकिन एंड मेलन। ओके, सो स्टूडेंट टुडे यू हैव टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। Let's revise it. There are 5 kind of plant: trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. And different example are given to it. Trees कौन कौन से हैं? Mango, apple, neem, banyan. Shrubs: rose, cotton, lemon. Okay. Herbs: tulsi, mint, tomato. Climbers: pea, grapevine, money plant. And creepers: watermelon, pumpkin and melon. Okay. Today you have to do this work in your EVS notebook. Okay, thank you.